और इस बाइक को लेकर कंट्रोवर्सी भी चल रहा है कि भाई जी 900 को बेच के तो CBR 650R लिया। भाई इसका तो फील ही अलग है भाई, इसका पावर ही अलग है। ये नया आया है, आप लोगों को अपनाने में टाइम लगेगा लेकिन धीरे 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 प्यार हो ही जाएगा भाई। और इसका नाम मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को, जैसे कि बताया कि ब्लेज, तो बताओ आप लोगों को ब्लेज नाम कैसा जच रहा है भाई। देखो जैसे कि GT 650 है और ये भी 650 है, तो लगा दो फिर उसके साथ इसका रेस, एक नंबर गियर डालते हैं। तो ये जो तेज है ना भाई, ये तेज बाइक भी चला जाएगा, इसके साथ साथ नाम भी चला जाएगा। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइस आज मैं बहुत खुश भी हूँ एंड एक साथ साथ भाई दुख भी लग रहा है, मतलब दुख भी हो रहा है मुझे, ठीक है, क्योंकि भाई आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ एक बार पीछे। तो ये देख सकते हो आप लोगों के सामने भाई, ये बाइक मैं परचेस किया हूँ, ठीक है, एंड इसका आज फास्ट राइड होने वाला है, इसलिए मैं खुश हूँ कि आज फास्ट राइड होने वाला है इसका, ठीक है। मैं आज फर्स्ट टाइम राइड, मतलब राइडिंग करने वाला हूँ, मतलब ऐसे तो चलाया हूँ लेकिन लोकल में, NH में नहीं चलाया हूँ, आज इसको NH में राइड करेंगे, ठीक है, NH में दौड़ाएंगे। और भाई ये बाइक आज रात को भाई चली जाएगी, ठीक है। इसके आगे मैं एक बार पहले वीडियो बनाया था कि मैं अपना बाइक को सेल कर रहा हूँ, तो उतना दुख नहीं हो रहा था, मैं बोल रहा था वीडियो के अंदर कि मुझे दुख हो रहा है लेकिन उतना भी नहीं हो रहा था, लेकिन आज ज़्यादा हो रहा है भाई। पूरा सब कुछ मिस करने वाला हूँ, इसका साउंड बोलो, इसका लुक बोलो, मतलब सब कुछ, ठीक है। और इस बाइक को लेकर कंट्रोवर्सी भी चल रहा है कि भाई Z900 को बेच के तो CBR 650R लिया भाई, ठीक है। बहुत लोग ऐसा सोच रहा है कि भाई ये तो कम CC वाला बाइक है, कम पावर वाला बाइक है, मतलब तेरे पास Z900 है तो उसको बेच के तू, मतलब उसको क्या बोलते हैं भाई, तू कम CC वाला बाइक लिया, यानी कि भाई तू एक कदम पीछे चला गया, आगे मतलब जाना था तुझे लेकिन पीछे चला गया। लेकिन भाई देखो, मुझे बाइक का फील लेना है, ठीक है, ये अलग कैटेगरी का बाइक है, ये फेयरिंग बाइक है, नेकेड बाइक है भाई, ठीक है। और मुझे लाइफ में एक बार ना एक बार फेयरिंग बाइक खरीदना ही था, ठीक है। और अभी इस बाइक का जितना प्राइस है ना, इससे भी प्राइस उसका महंगा है, ठीक है। तो जो लोग भैया सोच रहे हो ना भाई कि उसका कम प्राइस है, इसका ज़्यादा प्राइस है, तो ऐसा कुछ नहीं है, उसी का ही भाई प्राइस ज़्यादा है, ठीक है। दोनों को एक साथ देखो यार, कितना अच्छा लग रहा है फ्रेम में। अगर दोनों ही रह जाता मेरे पास तो तू एक बार चलाता, मैं एक बार चलाता, ये बाइक वो बाइक, मतलब मिलजुल के चलाते भाई, ठीक है। चलो और क्या ही कर सकते, एक दिन अगर पैसा होगा ज़िंदगी में तो दो बाइक ही रखेंगे, टेंशन नहीं है भाई। और अभी इस बाइक के बारे में जितना भी बात कर रहा हूँ ना, उतना ही मन ख़राब होता जा रहा है। अब क्या ही कर सकते हैं भाई, कुछ नहीं कर सकते, जो कर सकते हो आप लोग कर सकते हो, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर सपोर्ट रहेगा ना, अच्छा खासा फिर अर्निंग होगा भाई, तो आ जाएगा, टेंशन नहीं है। लेकिन अभी के लिए तो जा रहा है ना भाई ये बाइक। और बहुत लोग इस चीज़ से गुस्सा है कि भाई Z900 को बेचकर तू CBR 650R लिया, ठीक है। तो भाई देखो, मुझे तो भाई चेंज करना है, मोटोब्लॉगर का लाइफ ऐसा ही है भाई कि एक बाइक ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है भाई, चेंज करना ही होता है, ठीक है। तो कुछ सीन ऐसा है तो थोड़ा समझो आप लोग, ये नया आया है, आप लोगों को अपनाने में टाइम लगेगा लेकिन धीरे 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 प्यार हो ही जाएगा भाई। तो जो भी है, बहुत बात कर लिया भाई, जितना बात करते जा रहा हूँ उतना ही बात होता रहे, मतलब होता जा रहा है। तो जो भी, अभी चलो चलते हैं एंड दोनों बाइक के, मतलब दोनों बाइक को राइड करते हैं भाई, ठीक है। और एक बात गाइस, ये बाइक का नाम मैं मतलब प्यार से तेज रखा था, ठीक है, एंड इसके साथ जज भी रहा था, ठीक है। और इसका नाम आप लोगों को पूछा था कि क्या रखे नहीं रखे, आप लोग बताओ, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, एंड इसका नाम मैं खुद से रखा था, एंड इसका नाम रखा मेरा एक फ्रेंड ने नाम दिया, स्कूल फ्रेंड ने, एक बोला कि तू इसका नाम जब तेज था तो इसका नाम ब्लेज रख, ठीक है। और एक मतलब मेरा सब्सक्राइबर ने मतलब कमेंट किया, एक सब्सक्राइबर ने, कि इसका नाम ब्लेज रखो, तो मुझे नाम थोड़ा अच्छा लग रहा है और तेज के साथ मैच भी हो रहा है, और ब्लेज यानी कि आग भाई, आग, समझ रहे हो ना भाई, ये मतलब ब्लैक फायर हो जाएगा फिर तो। तो चलो अभी चलते हैं, ये नाम आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताना, ब्लेज। तो अभी देख लो अच्छे से और एक बार इस बाइक को, वॉक अराउंड दे देता हूँ आप लोगों को साइड से, और ये सामने से ऐसा लगती है भाई, सामने से तो एकदम जहर लगती है ये बाइक भी, और वो बाइक तो उसका तो बात ही अलग है भाई। लेकिन चेंज करना बनता है भाई, एक ही बाइक कितना दिन चलाऊँगा, इसीलिए चेंज किया, ठीक है। तो चलो, तो गाइस अभी NH पर आ गया हूँ, अरे बाप रे 150 तो ऐसे ही लग गया भाई, ये भी कुछ कम नहीं है भाई, ठीक है, इसका भी पावर लेवल का है। और ये वाला बाइक मैं ना अच्छे से चला पाऊँगा, मतलब उतना हवा नहीं लगेगा मेरे को, ठीक है। और वो बाइक तो नेकेड बाइक था, पूरा हवा मेरे मतलब मेरे शरीर पे आके लगता था, ठीक है, तो ऐसा सीन है। और ये बाइक टाकिन होकर चला पाऊँगा, और अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ तेज को भी, पीछे आ रहा है मोनी भाई लेके। तो ये वाला वीडियो मैं जल्दी में बना रहा हूँ क्योंकि आज ही तेज मेरे से चला जाएगा, मेरे से दूर हो जाएगा भाई, ठीक है। और ये देखो भाई, इसका भी क्या खतरनाक लुक है भाई साहब। और बाइक के बारे में आप लोगों को दूसरा वीडियो पर बताता रहूँगा, और बाइक तो अभी मेरे पास है, आप लोगों को धीरे धीरे मालूम होता रहेगा कि बाइक पर क्या है नहीं है,
ठीक है। और अभी बाइक पर, इस बाइक पर अभी के लिए मैं आप लोग बता देता हूँ कि क्या है नहीं है, क्विक शिफ्टर है, ठीक है। तो गियर डालने में भाई मक्खन एकदम, ठीक है। उस बाइक पर क्विक शिफ्टर नहीं था और इस बाइक पर क्विक शिफ्टर है। और इसका कॉकपिट व्यू कैसा लग रहा है बताओ आप लोग, ठीक है। और आप लोग एक ही बाइक के पीछे मतलब मत भागो भाई, ठीक है। बाइक ये दूसरा लिया हूँ, दूसरा मशीन है भाई, दूसरा मतलब फील आएगा इस बाइक को चलाते हुए, और उस बाइक को चलाते हुए दूसरा ही फील आता है, ठीक है। तो भाई चेंज होता रहेगा, ऐसा नहीं कि भाई इस बाइक को मैं जिंदगी भर रख दूंगा, ये भी चेंज हो जाएगा कब पता नहीं भाई। और अगर जिंदगी में ज़्यादा पैसा हो गया ना भाई, तो सब मतलब एक एक बाइक को मतलब अपने गैरेज में खड़ा कर दूंगा भाई, ठीक है। किसी भी बाइक को नहीं बेचूंगा। तो भाई पैसा भी लगता है बाइक को रखने के लिए, बहुत लोग बोल रहा था कि भाई वो बाइक मत बेचो, दूसरा खरीदना है तो खरीद लो, तो भाई पैसा तो चाहिए ना उसके लिए भाई। अरे बाप रे, इसका भी पिकअप सही लेवल का है। मैं सोच रहा था कि भाई ये कम सीसी का है तो इसलिए पिकअप उतना अच्छा नहीं होगा। देखो सीसी मैटर नहीं करता है बाइक पर, ठीक है। देखो जैसे कि GT 650 है और ये भी 650 है, तो लगा दो फिर उसके साथ इसका रेस। नहीं ना भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, सीसी के साथ सीसी कंपेयर पे मतलब कंपेयर नहीं होता है, ठीक है। ये देखो भाई क्या ही जहर, मतलब इसको तो मॉन्स्टर मतलब मॉन्स्टर है भाई, ये छोटा मॉन्स्टर अभी मतलब इसके पास ये छोटा है भाई, ठीक है। लेकिन ये भी कुछ कम नहीं है, भी खतरनाक है भाई। धीरे धीरे प्यार हो ही जाएगा आप लोग, जैसे कि बताया अभी नया आया ना, तो इसीलिए आप लोग को अनकम्फर्टेबल लग सकता है। देखो सभी का पसंद ना अलग अलग होता है भाई, सब कुछ जजमेंट वगैरह सब कुछ अलग अलग होता है, सब कुछ अलग होता है भाई, ठीक है। तो ये बाइक लिया, इसका अलग रीज़न है भाई, इसका अलग फील है और सब कुछ अलग है। वो तो एकदम अलग ही कैटेगरी का बाइक है, वो नेकेड बाइक है भाई, और ये फेयरिंग बाइक है और इसका फील ही अलग है। तो भाई समझो आप लोग बात को, ठीक है। ऐसा नहीं भाई वो बाइक खराब है मतलब अच्छा नहीं है इसलिए मैं बेच दिया, और ये वाला बाइक अच्छा इसलिए खरीद लिया, ऐसा कुछ बात नहीं है, ठीक है। और इसका नाम मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को, जैसे कि बताया कि ब्लेज, तो बताओ आप लोगों को ब्लेज नाम कैसा जच रहा है भाई। तेज ब्लेज मतलब सेम मतलब एक जैसा रहेगा नाम। तो चलो अभी थोड़ा बाइक को डाउन करते हैं, एक नंबर गियर डालते हैं। अभी एक नंबर गियर में गया था, कितना भाई 109, क्योंकि भाई ट्रैक्शन कंट्रोल अभी ऑन है, यानी कि तेज का ज़्यादा था भाई। कितना एक नंबर गियर में ज़्यादा था, 100 या फिर 99 शायद, ठीक है, मतलब 99 या तो फिर 100 ऐसा ज़्यादा था। लेकिन इसका तो और भी ज़्यादा है भाई, 125 समथिंग, मुझे पता नहीं है, देखना पड़ेगा। अभी बाइक तो मेरे पास है, वो तो भाई देख ही लूँगा। अभी इस बाइक के बारे में तो भाई आप लोगों को बताया और भी बताता रहूँगा, ये बाइक तो रहेगा मेरे पास, ठीक है। अभी मैं तेज को राइड कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि भाई वो बाइक मेरे पास नहीं रहने वाला है, तो यहीं पे रुकता हूँ। साइड रुक, साइड साइड में रुक इधर। और अभी मैं तेज को राइड करने वाला हूँ, एंड भाई चलाएगा मतलब मोनी भाई चलाएगा ये बाइक। आप लोग फिर से एक बार एक साथ देख लो भाई क्या ही दिख रही है। और तेज को हट भाई, हट हट थोड़ा, तेज को भी आप लोग देख लो भाई, मतलब दोनों बाइक एक फ्रेम में मतलब एक ही फ्रेम में भाई क्या ही दिख रही है, क्या ही दिख रही है। तो चलो अभी थोड़ा सा इसको भी राइड कर लेते हैं, क्योंकि आज ये जाने वाला है भाई। बोलते हुए ख़राब तो लग रहा है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं भाई, आप लोगों को भी ख़राब लग रहा होगा, ठीक है। इसका आवाज़ भाई, अभी वो चलाया आप लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा शायद, क्योंकि साउंड नहीं है ना उस बाइक पर, और आप लोग तो साउंड पसंद है बाइक का भाई, और सुपर बाइक है तो साउंड अगर नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं लगता है भाई, ठीक है। तो भाई लगाएंगे, एग्जॉस्ट भी लगाएंगे, अभी थोड़ा पैसा का दिक्कत है भाई, फाइनल फेल ये दिक्कत है अभी, तो थोड़ा होने दो भाई पैसा वगैरह, उसके बाद लगा लेंगे। मैं तो भाई लगाने के लिए तड़प रहा हूँ भाई, कि कब लगाएंगे भाई एग्जॉस्ट उस बाइक पर भी, जितना जल्दी हो सके लगा लूँगा, टेंशन नहीं है अभी। चलो तो फील ही अलग है भाई, इसका पावर ही अलग है, ठीक है। मतलब वो वाला बाइक चला के मैं ये वाला डायरेक्ट बाइक चला रहा हूँ ना, मतलब इसको भी बहुत दिन से राइड नहीं किया, मतलब कलकत्ता गया था उधर 15 दिन था, ठीक है, और दूसरा बाइक राइड कर रहा हूँ, और ये बाइक को मैं लगभग 15-16 दिन बाद राइड कर रहा हूँ ना, तो भाई ऐसा लग रहा है मतलब इस बाइक पर बहुत ज़्यादा पावर, ऐसा लग रहा है नहीं है भाई, CBR से ज़्यादा तो है इस बाइक पर पावर। वो वाला बाइक चला रहा था तो उतना पावर महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन ये वाला बाइक पर जैसे ही बैठा भाई इतना पावर है भाई, मतलब खींच के पीछे फेंक रहा है बाइक। चलो अभी, और इसका साउंड भाई डाउनशिप भाई साहब, तो ये जो तेज है ना भाई, ये तेज बाइक भी चला जाएगा, इसके साथ साथ नाम भी चला जाएगा। किसी दिन अगर खरीद पाऊँगा ना, तो भाई उसका नाम भी तेज ही रखेंगे भाई, क्योंकि ये नाम मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा ही पसंद है, और बहुत भाई मतलब सोच समझ के ये नाम रखा था, बहुत फीलिंग्स के साथ रखा था। और उसका नाम अभी सोच रहा हूँ कि ब्लेज रखेंगे। और ये बाइक का भी देखो कि चलते हुए कैसा लगती है बाइक, ठीक है। अभी चलो, अभी मैं CBR 650R चला रहा था ना, तो उस बाइक पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मुझे कम मिल रहा था, क्योंकि ये बाइक चला चला के भाई आदत पड़ चुका है ना, और वो बाइक नया चला रहा हूँ तो वो भी आदत पड़ जाएगा भाई, कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। अभी नया लिया हूँ, समझना होगा इसका हैंडलिंग कैसा है, ब्रेकिंग कैसा है, पावर कैसा है, सब कुछ समझना पड़ेगा। और ये तो मेरे पास बहुत दिनों से है,
मतलब सालों से है, इसलिए सब कुछ इसका समझ आ गया है। तो उस बाइक को अभी संभाल के थोड़ा राइड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझने का कुछ नहीं है मतलब, क्योंकि वो कम सीसी का बाइक है, पावर तो समझने का कोई बात ही नहीं है यहाँ पर, लेकिन हैंडलिंग वगैरह और ब्रेकिंग वगैरह समझना पड़ेगा। चाहे आप कोई भी बाइक चला लो भाई, पहले अगर आप अगर किसी का बाइक ले रहे हो ठीक है, तो भाई ब्रेकिंग पहले चेक करना भाई कि क्या सही नहीं है, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। देखो भाई इस बाइक के लिए कितना प्यार है, ये भाई लोग यहाँ पर रुकने के लिए बोल रहा है, लेकिन भाई मैं रुक नहीं सकता हूँ आज, क्योंकि भाई ये बाइक मुझे अभी जाके देना पड़ेगा उस बंदे को। आज नहीं भाई, आज नहीं, सॉरी डाटा। देखो भाई कितना लोग ऐसे NH पार हो रहा है भाई, मुझे डर लग रहा है, बच्चे लोग बाइक देखने के लिए भाई, मुझे नहीं पहचानते ये लोग ठीक है, बाइक के साउंड के वैसा आ जाता है। हेलो भाई, हेलो, प्यार देखो भाई इस बाइक का। बहुत दिनों बाद मतलब मैं घर आया हूँ और इस बाइक को राइड कर रहा हूँ, मतलब इधर लगभग 15-16 दिन हो गया इधर नहीं आया ना, तो ये लोग मुझे मिस कर रहे थे। तो जो भी है, चलो गाइस आज का ब्लॉग लंबा नहीं करूँगा, जितना ही बात करता रहूँगा बात होता ही रहेगा, वीडियो लंबा होता रहेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो जो भी आप लोगों को लगा, जैसा भी लगा, आप लोग कमेंट करना, आप लोग अभी मतलब मन का जो बात है फीलिंग से शेयर करना कमेंट बॉक्स में जाके, और वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने फ्रेंड लोगों से शेयर भी कर देना। और जो लोग भाई चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अभी 7 लाख होने में लगभग 11,000 या फिर 12,000 सब्सक्राइबर चाहिए, तो जल्दी से भाई 7 लाख भी कंप्लीट करवा दो ठीक है। तो चलिएगा मिलते हैं कोई और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना, टाटा, टेक केयर।